कभी कभी जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। सक्सेस इस दुनिया में सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन आप अगर उनसे पूछ लो कि दांव पे क्या लगाओगे, तो दांव पे क्या लगाना है, मेरे पास तो दांव पे लगाने के लिए कुछ है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ न कुछ तो दांव पे लगाना पड़ता है, तभी जाके सक्सेस हासिल होती है। वो बोलते हैं ना कि जिंदगी आपको कभी कुछ देती नहीं है, जिंदगी सिर्फ आपको लौटाती है। यानी जो भी आपने जिंदगी को दिया है वो जिंदगी आपको सिर्फ लौटाएगी। इसीलिए दांव पे कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ता है, रिस्क तो आपको लेनी पड़ती है। 1973 में राज कपूर बॉबी फिल्म बना रहे थे। उससे पहले मेरा नाम जोकर, जो 1972 में रिलीज हुई थी और जिसको बनाने के लिए 6 साल लगे थे, वो फ्लॉप हुई थी। अभी बॉबी बनाने के लिए उन्होंने अपना घर गिरवी रखा था, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, अपनी कार गिरवी रखी थी, अपना सारा गोल्ड, और इतना ही नहीं अपना स्टूडियो भी उन्होंने गिरवी रखा था। इसका मतलब अगर बॉबी फ्लॉप हो जाती थी तो वो सीधा रोड पे आते थे, सड़क पे आते थे। और बॉबी बनाने के लिए 1.5 साल लगा। इस 1.5 साल में कितना पैसा लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, और इस 1.5 साल में कमाई कितनी होगी, कुछ भी नहीं। और दांव पे क्या लगा था, सब कुछ। ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना आदमी की जिंदगी में, ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत जबरदस्त होता है। आदमी के दिल में डर सा होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो ये लास्ट चांस है, ये लास्ट मौका है, मुझे करना ही करना है। ये जो 2-4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये आदमी को सक्सेसफुल बना देता है। ऐसी स्थिति में आदमी अपनी पूरी जान झोंक देता है। जिंदगी दांव पे लगती है, करना है या मरना है। आदमी का पूरा टैलेंट, पूरा पोटेंशियल बाहर आ जाता है। आदमी की पूरी हिम्मत और ताकत लगती है। और वही हुआ, बॉबी उस साल की सबसे हिट फिल्म हो गई और राज कपूर उसी फिल्म में से ऊपर आ गए। इसीलिए कभी कभी जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।